ऋणम कर्तवा घर्तम पिवेते है, यानी कर्ज लेकर कर्ज पाटो। इमरान खान न्याजी ने खड़िया पर सूत लपेटकर उसकी फुटबॉल बनाने का नया आविष्कार करने का ख्वाब देखा था। वह ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ, उल्टा चीन में जाकर फुटबॉल की रस्सी लपेट ली और खड़िया का ढेला चीन के सामने रख दिया, यानी इसे चाट कर अब चीन खूब कैल्शियम प्राप्त कर सकेगा। इतना ही नहीं, वह इसी खड़िया से पाकिस्तान के चेहरे को सफेद भी करेगा। हो सकता है आने वाले वक्त में जोर की बारिश हो और पाकिस्तान के चेहरे पर पुती खड़िया उसके पानी में धुले और वह अपनी पुरानी शक्ल भी भूल जाए। दरअसल कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान को उबारने के लिए इमरान नियाजी नित नई कवायद कर रहे हैं। इसी का फायदा आज चीन उठा ले गया, यानी पाकिस्तान की बेचारगी और उसकी कटोरे में पड़ी अर्थव्यवस्था से चीन ने उस खुरचन को भी समेटने की चाल चल दी है जहां से पाकिस्तान दाने पानी का जुगाड़ कर सकता था। इमरान सरकार ने चीन की उन सभी कंपनियों को 23 साल तक टैक्स में छूट करने की घोषणा कर दी है जो गवादर पोर्ट पर काम कर रही है। पाकिस्तान के संघीय मामलों के मंत्री अली हदर जैदी ने कहा कि चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी को 23 वर्षों के लिए कर में छूट दी गई है। इसका मतलब यह है कि चीन की कंपनियां अब पाकिस्तान के खजाने में बिना कोई टैक्स दिए अपनी इकाइयां चलाएगी। पर यह मामला इतना सामान्य नहीं है जितना लगता है, बल्कि इससे पाकिस्तान की बर्बादी का अगला अध्याय शुरू हो रहा है। चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी झांग बाओहोंग इसके लिए अपनी सरकार के माध्यम से पाकिस्तान पर दबाव बनवा रहे थे। पिछले 7 साल से यह मसला पाकिस्तान सरकार के पास लंबित था। यह कंपनी बहुत पहले से गवादर पोर्ट पर काम कर रही थी, लेकिन पाकिस्तानी टैक्स के रूप में उसे भारी रकम चुकानी पड़ती थी। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को चीनी कंपनियों से प्रतिवर्ष 7.2 करोड़ डॉलर की आमदनी होती है, यानी पाकिस्तान को वर्ष 2020 से चीन को 6 करोड़ डॉलर की रकम जो प्रतिवर्ष देनी है वे इन कंपनियों से मिली रकम से जुटाई जा सकती थी, लेकिन अब यह पाकिस्तान पर अतिरिक्त बोझ पड़ने जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में काम कर रही कंपनियां अपने श्रमिक चीन से ही लाती है। चीनी कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों में भी अधिकांश चीनी ही होते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के इस फैसले से कोई रोजगार बढ़ेगा यह भी मुमकिन नहीं है। हालांकि चीन ने पाकिस्तान को ऐसा ख्वाब दिखाया है कि उसके इन प्रयासों से पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। वह पनबिजली, तेल शोधक कारखाने और इस्पात संयंत्र से जुड़ी परियोजनाओं पर विचार करेंगे। चीन ने पाकिस्तान को लालच तो यहां तक दिया है कि वह ऐसी परियोजनाएं शुरू करेगा जिनसे पाकिस्तान को राजस्व मिलने के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की हालत इसके ठीक उलट है। चीन सातिराना अंदाज में उसे लूट रहा है। उसने अपने सभी खटारा और पुराने चीनी हथियार पाकिस्तान को बेच डाले हैं। उनसे कमाई गई रकम को वापस पाकिस्तान को कर्ज के रूप में दे रहा है। शिजियांग प्रांत से गवादर पोर्ट तक बनने वाले सीपैक में चीन 60 अरब डॉलर पाकिस्तान का ही लगवा रहा है, जिसे उसने कर्ज के तौर पर पाकिस्तान के खाते में चढ़ा दिया है, जिसकी अदायगी की शुरुआत 2030 के बाद होगी, जबकि 7.5% से लेकर 8% ब्याज की शुरुआत अगले साल से होने जा रही है। कमाल की बात यह है कि सीपैक के ऊपर कौवे बोल रहे हैं और निर्माण लगभग बंद है। गौर करने वाली बात यह है कि वर्ष 2019 तक पाकिस्तान को सीपैक पर 7 इकोनॉमिक जोन बनाने थे, पर यहां तो एक भी जोन नहीं बन पाया है। लेकिन इसके बावजूद चीन की पूंजी के सूद का लठ पाकिस्तान के सिर पर खड़ा है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को जून 2022 तक अकेले चीन को 6.70 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। वहीं अगले 3 साल में IMF के 2.80 अरब डॉलर के लोन की भरपाई भी करनी है। परिस्थिति यह है कि आज की घड़ी में चीन के खजाने में ले देकर 7.5 अरब डॉलर ही बचे हैं। इमरान न्याजी लोगों की आमदनी बढ़ाने की बजाय लंगर खाने चलाने की बात कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है देश को कर्जों से कैसे उबारा जाए। कर्ज को कर्ज से पाटने की इमरान नीति के चलते बाहरी मुल्क भी अब पाकिस्तान को कर्ज देने से कतराने लगे हैं, पर चीन आज भी तैयार है। वह जानता है कि पाकिस्तान मजबूर है, उस पर शिकंजा कसने और गुलाम बनाने का यह सुनहरा मौका है। ऊपर से यह मदरसा बुद्धि वाले लोग हैं जो पाकिस्तान के तीनों वक्त चिंगारने वाले लाउड स्पीकर पर तो गला फाड़ सकते हैं, पर चीन की अवहेलना कभी नहीं कर पाएंगे।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।